नाजनीन और हसरात, मेरा नाम है वसीम उल्ला शरीफ। मैं जेर मौलिम गवर्नमेंट उर्दू लोयर करनी स्कूल बी गणेकल तालुक देवदुर्गा जिले रैतू से मुताबिकत रखता हूँ। आज का उन्वान है निष्ठा 3.0 मॉड्यूल नंबर 1 यानी बुनियादी खानदगी और अदद शनासी के बारे में मजीद मालूम हासिल करेंगे। कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 इस बात पर रोशनी डालती है कि फिलहाल इब्तदाई सतह पर तलबा का एक बड़ा तनासुबी हिस्सा जो बुनियादी खानदगी और अदद शनासी से दूर है। यहां तक कि रिपोर्ट में आया है तकरीबन 5 करोड़ से ज्यादा तलबा बुनियादी खानदगी और अदद शनासी से महरूम है। तो एक तहकीक के मुताबिक ये पता चला है कि जब तलबा बुनियादी खानदगी और अदद शनासी से हासिल कर लेंगे तो बच्चों को अगली जमातों में पढ़ने का भरपूर उनको मौका मिलेगा, पढ़ने के लिए आसानी होगी, उस्तादों के लिए भी आसानी होगी। बुनियादी खानदगी और अदद शनासी मिशन का एक नजरिया अब हम जानने की कोशिश करते हैं। प्राइमरी क्लासों में बुनियादी खानदगी और अदद शनासी के आलमी सतह पर हुसूल की यानी यकीनी बनाने के लिए 2026-27 तक तमाम पहलुओं में एक मौसर माहौल बनाने के लिए हर बच्चा तीसरी जमात के इख्तिताम पर पढ़ने लिखने और अदद को मतलूबा जानने की काबिलियत पैदा हो जाए बच्चों के अंदर। कम से कम 5वीं जमात तक के तलबा कर सके तो ये चीज को एनईपी 2020 में लाया गया है। अब हम इसके निफास से तलबा में जो होने वाले सहूलियात असातिज़ा को जो होने वाले सहूलियात है यानी कि जो फायदे जो हासिल होते हैं उसके बारे में मजीद मालूम हासिल करेंगे। बुनियादी तालीम पर ज्यादा जोर दिया गया है, यहाँ पर बच्चों की बुनियादी तालीम पर ज्यादा जोर दिया गया है यानी कि बच्चा एक तीसरी जमात तक इतना हद तक सीख ले, बच्चा आसानी से पढ़ सके, आसानी से लिख सके और आसान अददों को पहचान सके, आसान हिसाबों को कर सके, यानी कि एनईपी का एक अहम मुद्दा है। और साथ ही साथ इसमें बच्चों की तकलीफी सलाहियत पर जोर दिया गया है यानी कि थोड़े बच्चे तकलीफदार होते हैं, थोड़ा पढ़ने में पीछे भी हो सकते हैं मगर उनकी उनकी जो तकलीफदारी अलग होती है तो उस पर उसकी बिना पर भी वहां पर तकलीफ दिया गया है। इस एनईपी 2020 के तहत बच्चों को तकलीफी सलाहियतों पर भी ज्यादा जोर दिया गया है।